हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए वीडियो में। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे अपने अपने घरों में एंड अपने अपने वर्कआउट्स कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरा जो 2 महीने का कटिंग किया मैंने लास्ट 2 महीने से, उसके जो रिजल्ट्स आए मुझे। मैंने ड्रॉप किया है 105 से 95 किलो। सो इट्स अ टोटल वेट लॉस ऑफ 10 किलोज़ जो मैंने किया है विथ प्रिजर्विंग द मसल मास एंड द स्ट्रेंथ दैट आई हैड। सो ये मैंने कैसे किया एंड कौन कौन से स्टेप्स यूज़ किए मैं ये बताऊँगा आप लोगों को इस वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो आप लोगों को एक समरी दे देता हूँ वीडियो का। वीडियो के स्टार्टिंग में जो होगा, अब मैं अपना पूरा जर्नी के बारे में बताऊँगा, जो मैंने 2 महीने में दो दो चीज़ें की है, जो मेरा रूटीन था, कैसे मैं ट्रेन करता था, कौन सा डाइट लेता था, डाइट में कितने कैलोरीज होते थे, कैसे मैं ऑल्टर करता था। मेरा जो पूरा होगा स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं अपना जर्नी बताऊँगा। उसके बाद कुछ टिप्स बताऊँगा मैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड थर्ड में जो है मैं आप लोगों को कुछ गलतियाँ बताऊँगा जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए अगर आप लोग फैट लॉस करना चाहते हो तो। सो वीडियो होते होते आप लोगों को साइड में इधर इधर आप लोगों को मेरे प्रोग्रेस पिक्चर्स दिख जाएंगे। जैसे जैसे मैंने पिक्चर्स स्नैप्स कुछ भी मैं लेता था तो वो मैं आप लोगों को इधर उधर शो कर दूंगा, तो आप लोग देख के समझ सकते हैं कि कैसे मैंने धीरे धीरे करके प्रोग्रेस किया है इसमें। सो बिना कोई देरी करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पार्थिव एंड लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आप लोगों को, आज मैंने जो है बल्क स्टार्ट किया अपना लीन बल्क 6 महीने के लिए जो मैंने प्लान किया है, सो, वो मैंने स्टार्ट किया। सो आई एम ऑन प्रीटी हाई कार्ब्स राइट नाउ। सो मैं जो अभी आप लोगों को अभी अपना अभी इस मोमेंट पे करंट फिजिक आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो पे चलेंगे आगे। मैंने जो है अपने लैपटॉप के नोट्स में लिख के रखा है मेरा जो पूरा टाइमलाइन रहा ये कट का, क्या से क्या हुआ, जिससे कि मैं आप लोग एफिशिएंटली बता पाऊँ एंड मैं बीच में स्टटर ना करूँ आपको बताते हुए। सो सबसे पहले आते हैं। सो मैंने जो स्टार्ट किया था, 104.9 किलो से एंड आई एंडेड अप 95.2 किलोस। सो टाइम स्टार्टिंग जो है इसका मैंने 1 अगस्त को स्टार्ट किया था एंड आई एंडेड ऑन 2 अक्टूबर, सो 2 मंथ्स हो गए। सो की पॉइंट्स की मैं बात करूँ इसमें, जो मेरे टाइमलाइन कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स आए जिससे जो ये कट मेरा हैम्पर हो गया, ये प्रॉपर कट नहीं था। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। जो 15 अगस्त को था, 15 अगस्त को मेरे जिम में एक पावर लिफ्टिंग मीट था। पावर लिफ्टिंग मीट होने के कारण जो मुझे है कि मुझे फिर से कार्ब्स खाने पड़े, क्योंकि नो कार्ब्स मीन्स नो एनर्जी। बिना कार्ब्स खाए मैं वेट ज़्यादा उठा नहीं सकता एंड इट्स अ पावर लिफ्टिंग मीट, सो मुझे मैक्सिमम पुश करना था। एंड उसका व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग को इधर आई बटन पर मिल जाएगा। सो 13 अगस्त को जो है, 15 अगस्त को कंपटीशन था, 13 अगस्त को है जो है मैंने थोड़ा हाई कार्ब्स लेना स्टार्ट कर दिया था। सो, जो हो गया था, मैं 2 हफ्ते बीत चुका था मेरे कट के, बट बीच में मैंने फिर ब्रेक लिया 3 दिनों के लिए एंड 3 दिनों में मैंने पूरा बल्क किया। तो 13 अगस्त को मैंने 230 किलोज़ के 2 रेप डेडलिफ्ट के परफॉर्म किए, जो मतलब उतना सही फॉर्म के साथ नहीं थे क्योंकि मैं बहुत लो था। सो 17 अगस्त को जो है मैंने 140 किलोज़ से 8 रेप्स मारे बेंट ओवर रोइंग के। एंड 19 अगस्त को है जो मैंने नेक ट्रेनिंग स्टार्ट किया। जो मेरा नेक है ये पहले बहुत थिन था, अभी आप लोग इतना दिख रहा है। अगर आप लोग उससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। नेक ट्रेनिंग स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट एंड जो 17 सितंबर था, 1 महीना सक्सेसफुली कट चला, उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे मुझे। उसके बाद मुझे वायरल फीवर हो गया था करीब 4 दिनों के लिए 104 डिग्रीज का, तो ट्रेनिंग बंद था, डाइट उतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था एंड जो है मुझे घर से भी खाने नहीं दे रहे थे। तो स्ट्रेंथ उधर ही डाउन हुआ है मेरा। जो मेरा स्ट्रेंथ था वो पूरा कट के दौरान सेम ही था, बट जो मेरा स्ट्रेंथ जितना भी थोड़ा बहुत भी डाउन हुआ है वो हुआ है वायरल फीवर होने की वजह से एंड 104 डिग्रीज पे हो गया था। सो 4 दिन बाद मैंने रिकवर किया एंड देन फिर मैं वापस आया। तो अभी बात करते हैं हम लोग अब मेरे डाइट की। डाइट में जो है मेरा करंटली उस टाइम पे मेंटेनेंस आया था 3850 कैलोरीज। सो मैंने क्या किया, मैंने 3500 कैलोरीज स्टार्ट किए, ठीक, 3500 कैलोरीज, और मैं इसको वेरी करता था 3500 कैलोरीज, 3200 कैलोरीज, 2700 कैलोरीज और 2500 कैलोरीज। सो जिस दिन मुझे लगता था कि मुझे थोड़े ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, जिस दिन लेग्स होते थे उस दिन मैं मतलब ऐसे ही ऑल्टरनेट करते रहता था अपने डाइट को। एंड मेरे जो डाइट में है 3 ही चीज़ें होते थे, वो है ब्राउन राइस, कैनोला ऑयल एंड चिकन
एंड दो स्कूप प्रोटीन के। सो ये मेरा ओवरऑल डाइट होता था, बस क्वांटिटी में वैरी होता था कि जिस दिन मुझे ज़्यादा कार्ब चाहिए उस दिन मैं थोड़े ज़्यादा ब्राउन राइस खाता था। प्रोटीन क्वांटिटी हर रोज़ सेम ही रहता था एक्सेप्ट ऑन रेस्ट डे जिस दिन मैं प्रोटीन थोड़ा कम लेता था। सो अभी ट्रेनिंग प्लान की बात करें, मैं मंडे को ट्रेन करता था पुश, ट्यूसडे को पुल, वेडनेसडे को लेग्स एंड काफ्स, थर्सडे को शोल्डर्स एंड फ्राइडे को चेस्ट एंड बैक, एंड सैटरडे को मैं दो टाइम ट्रेन करता था। मॉर्निंग में आर्म्स करता था, छोटा सा सेशन होता था, ज़्यादा हैवी नहीं, एंड इवनिंग में लेग्स एंड काफ्स करता था। एंड कार्डियो की अगर हम लोग बात करते, कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैट लॉस में, तो मैं 2:1 रेशियो फॉलो करता हूँ कार्डियो में। जैसे कि अगर आप लोग हफ्ते में 6 घंटा ट्रेन कर रहे हो तो 3 घंटे से ज़्यादा कार्डियो आप नहीं करोगे। हाँ, उससे कम कर सकते हो बट 3 घंटे से ज़्यादा नहीं करोगे। सो 30-40 एंड आई बिलीव इन स्लो स्टेट कार्डियो, स्टेडी स्टेट कार्डियो, जैसे इंक्लाइन वॉकिंग। हाई इंटेंसिटी मैं नहीं करता क्योंकि मुझे हाई इंटेंसिटी कार्डियो एक पूरा अलग सेशन हो जाता है, इसीलिए मैं हाई इंटेंसिटी प्रीफर नहीं करता। एंड मैं जो है कार्डियो 4 डेज अ वीक करता था, एंड द 5th डे मैंने जैसे कहा सैटरडे को मैं दो टाइम ट्रेन करता था, सैटरडे को मैं तो इसीलिए ट्रेन करता था। सो वेस्ट लाइन जो है मेरा कमर, सो उधर से मेरा जो पहले था 46, वो तो पहले का कट है, 46 से 36 पे आया, 36 से ये कट पे 36 से आई वेंट टू 33 पे आया। एंड फॉर द फर्स्ट मंथ मैंने जो है फास्टेड कार्डियो किया था, लाइक मेरे पास घर में एल कार्निटाइन पड़ा हुआ था तो मैंने फास्टेड कार्डियो किया। बट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ जो मैं कार्डियो करता था वो सुबह में एक स्कूप प्रोटीन लेने के बाद ही करता था। सो एंड अगर हम लोग बात करें मेरे सप्लीमेंट्स की, सप्लीमेंट्स में मैं लेता था प्रोटीन, क्रिएटिन एंड BCAA, नो ग्लूटामाइन। एक्सेसिव सप्लीमेंट्स पे खर्चा नहीं करना है। मेरा जो कट है इसमें कुछ ये टाइमलाइन थे जिसके वजह से मेरा कट हैम्पर हो गया था, एक स्मूथ नहीं था, आई मिस ट्रेनिंग डेज, उसके बाद पावर लिफ्टिंग मीट था, सो ये सब की वजह से जो कट है, मतलब इससे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते थे। सो यही था मेरा कट बेसिकली। एंड अभी बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स से मेरा मतलब है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप एक सच में एक कट पे आना चाहते हो, एक मतलब आप लोगों को कुछ चेंज करना है अपना फिजिक को कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, आप लोगों को जो है मसल मास है तो जो भी करना है, आप लोग अगर डेडिकेटेड हो, आप लोगों ने सोच लिया, मन बना लिया, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ जो है प्री प्लान एवरीथिंग। प्री प्लान से मेरा मतलब है आप कल कितने ग्राम कार्ब्स खाने वाले हो, कितने ग्राम प्रोटीन्स खाने वाले हो, ये सब होना चाहिए। एंड क्या प्रोटीन का सोर्स क्या होगा ये भी डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दुकान गए, दुकान में अंडे नहीं है तो आप अंडे नहीं खा सकते हो। सो ऐसा बिल्कुल ना है, जो भी होगा प्री प्लान्ड होगा। आप जो ग्रोसरी शॉपिंग होगा आपका, आइदर आप 3 दिन का एक साथ कर लो, या फिर मतलब आप लोगों को जो है अपना जो खाना है कल का पूरा प्रिपेयर करके रखना है। एंड प्री प्लान से मतलब हर एक चीज़ जो होगा वेटेड होगा, कुछ भी रैंडमली गेस नहीं होगा। अगर आप रैंडमली करोगे तो आप ओवर ईटिंग करोगे ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा आप कितना खा रहे हो। तो इसीलिए प्री प्लान एवरीथिंग, जो है आपका फूड वो मेजर करके आप एकदम मेजर्ड अमाउंट ऑफ फूड खाओगे। सो जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं प्रीफर करता हूँ, मैं जो उठता हूँ आई कुक माई फूड इन द मॉर्निंग। फूड को मॉर्निंग में प्रिपेयर करने के बाद मैं उसको स्प्लिट कर लेता हूँ इनटू द नंबर ऑफ मील्स आई वांट टू टेक ड्यूरिंग माय डे, सो दैट आई डोंट फील हंग्री, जिससे कि मुझे भूख ना लगे दिन के बीच में। सो मैं प्रेफर करता हूँ कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट कॉन्सेप्ट को। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए इसको, जस्ट इतना याद रखिए कैलोरीज इन शुड बी लेसर देन द कैलोरीज आउट, सो आप फैट लॉस करोगे, आपको एक कैलोरी डिफिसिट में खाना पड़ेगा। सो इतना कॉम्प्लेक्स करने का ज़रूरत नहीं। आप जो है सुबह उठ के अपना अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो चाहिए उसका प्रिपेयर कर लो, और उसके बाद आप उसको पूरा दिन के हिसाब से स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करने के बाद आपका क्या होगा, आपको पता होगा, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा आपके खाने के लिए। एंड जैसे ही आपको मतलब टाइम होगा खाने का, भूख लगेगा, तो आप जाके अपना जो मील है उसको ले सकते हो। इसीलिए यहाँ पे सब कुछ प्री प्लान्ड कहा मैंने। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्राई टू ईट लेस कैलोरी डेंस फूड। लेस कैलोरी डेंस फूड मेरा मतलब है ट्राई कीजिए अवॉइड करने का पीनट बटर्स, उसके बाद वो वॉलनट, ये सब अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये सब जो है ये कैलोरी डेंस फूड होते हैं। एंड कैलोरी डेंस फूड्स मतलब आप अगर मतलब कम क्वांटिटी में आपको ज़्यादा कैलोरीज मिल रहे, तो जो है आपका स्टमक फिल नहीं रहेगा, आपको भूख लग सकता है ज़्यादा जल्दी। सो इसीलिए ट्राई कीजिए कि लेस कैलोरी डेंस फूड खाए। सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उससे है रिफीट डेज। आप लोग अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए कट में 2 हफ्तों में एक बार ज़रूर से ज़रूर रिफीट डे ले। रिफीट डे से मतलब आप कोई एक मील लोगे
जो अगर आप चीट मील लेना चाहते हो चीट मील ले सकते हो। अगर आपको रिफीट डे और चीट मील में डिफरेंस यह है कि जो रिफीट डे होता है वो कैलकुलेटेड होता है, चीट मील जो होता है वो कैलकुलेटेड नहीं होता है। सो बेसिकली रिफीट डे में आप क्या करोगे, आपका जो खाना होगा वो आप ऑलरेडी मेजर करके रखोगे कि इसमें इतने इतने कार्ब्स है, इतने इतने वो है। एंड चीट मील में आप कहीं पर भी गए एंड आप डायरेक्टली खा सकते हो। तो बेसिकली कुछ भी हो, रिफीट डे या चीट डे, आप लोगों को दो हफ्ते में एक बार लेना है अगर आप लोग चाहते हो कि जो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हैम्पर ना हो एंड आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ना आए। चीट मील आपके बॉडी को हेल्प करेगा टू कोप अप विद द हार्ड डाइटिंग दैट यू वेंट डूइंग ऑल वीक। सो द नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप रैंडमली किसी का भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख के कुछ भी देख के अपने डाइट में या फिर अपने प्लान में चेंजेस मत कीजिए। जो आपने प्लान बनाए स्टिक टू इट। जो मैंने जो है बीच में सोचा था एक महीने बाद कि आई विल डाइव इनटू इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बाद तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि आई प्रेफर डूइंग कार्डियो इन द मॉर्निंग। सो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए एंड मुझे बहुत सही रिजल्ट्स मिले। सो जो आप डिसाइड करोगे स्टार्ट करोगे तो उसी पे चिपक के रहना है आप लोगों को। आप किसी का वीडियो देख के वो ये कर रहा है बोल के आप लोगों को प्लान चेंज नहीं करना। जस्ट स्टिक टू योर ओन प्लान एंड हैव बिलीव इन योर प्लान। आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे अगर आप लोग सब कुछ सही से कर रहे होंगे तो। सो नेक्स्ट जो चीज़ है, बहुत लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं एकदम से अपने कैलोरीज को ड्रॉप कर देते हैं, वो नहीं करना है आप लोगों को। वो करने से बेसिकली स्टार्टिंग में तो आप बहुत अच्छे से वेट लूज़ करोगे बट जैसे नेक्स्ट मतलब कुछ दिनों के बाद आप वेट लूज़ करना बंद कर दोगे सो इससे बहुत तो आप लोगों को स्टार्ट करना है 200, 300, 400, उसके बाद 500, फिर थोड़ा कार्डियो ऐड करना है जिससे कि आप थोड़े कैलोरीज जो है खाने से बाहर, जो कैलोरीज आप फूड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके कार्डियो से निकाल रहे होंगे। सो ऐसे करके चलना है। नेक्स्ट जो चीज़ है, बहुत लोग ये करते हैं कि बहुत लोग अपने जो वेट स्केल के ऊपर ध्यान देते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा वेट नहीं गिर रहा है, वेट नहीं गिर रहा है। कैलोरी फैट लॉस में होंगे तो आपका वेट गिरेगा, ये ठीक है, बट मोर देन टेकिंग वेट, आप सुबह उठ के जब वेट लेते हो, वेट लेने से ज़्यादा ट्राई फोकसिंग मोर ऑन टेकिंग पिक्चर्स डेली। मैं जो है पिक्चर्स को ज़्यादा महत्व देता हूँ इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द वेट ऑन द स्केल, क्योंकि हर रोज़ वेरी करते रहता है। शायद कल रात को मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी पी लिया होगा, ये शायद कल रात को थोड़ा मैंने ज़्यादा खाना राइस खा लिया होगा। सो जो है वो वेरी करते रहता है वेट, जो है वेट कभी आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप ठीक है बट ब्लाइंडली आप वेट को बिलीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए ट्राई टेकिंग पिक्चर्स, आप शायद मसल भी बिल्ड कर रहे हो विथ लूजिंग फैट एट द सेम टाइम, इसीलिए जो है आपका वेट उतना जल्दी नहीं ड्रॉप कर रहा है। सो इसीलिए जो पिक्चर्स आप उसको विजुअलाइज करके देख सकते हो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द वेट स्केल। आप वेट स्केल को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, आप सोचोगे वेट नहीं घट रहा है और आप कैलोरीज ड्रॉप कर दोगे तो यू विल स्टार्ट लूजिंग मसल। सो इसीलिए वेट स्केल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना। हाँ, एक वीक का एवरेज निकाल के दूसरे वीक के एवरेज से आप कंपेयर कीजिए, अगर वेट घटा है तो देन इट्स ओके। सो नेक्स्ट जो चीज़ है, लो वेट पे हाई रेपिटेशंस लगाने से आप लोगों को कुछ फेनोमिनल रिजल्ट्स नहीं मिल जाएंगे। जस्ट स्टिक टू हैवी वेट्स, मतलब हैवी वेट से मेरा मतलब है जैसे आप ट्रेन कर रहे थे ड्यूरिंग योर बल्किंग पीरियड, या फिर आपके बॉडी को सबसे पहला बात रीज़न चाहिए कि वाई शुड ही मेंटेन द मसल मास। आपको बॉडी के पास कोई रीज़न ही नहीं होगा, जैसे ही आप कम वेट उठाना स्टार्ट कर दोगे सो क्या होगा, आपको बॉडी को लगेगा दैट ये तो खा भी कम रहा है एंड ये वेट भी कम उठा रहा है, तो वाई शुड आई मेंटेन दैट मसल मास दैट ही हैज। सो योर बॉडी विल स्टार्ट ब्रेकिंग द मसल मास। सो बेसिकली आपको बॉडी को एक स्टिमुलस देना है, सो दैट्स वाई यू नीड टू लिफ्ट हैवी वेट टू कीप योर बॉडी स्टिम्युलेटेड, जिससे कि वो मसल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके बॉडी को पता होगा कि कल आप जिम में जाओगे एंड आप हैवी वेट्स उठाओगे, सो ही नीड्स टू मेंटेन दैट मसल मास। सो बेसिकली हैवी वेट्स को बंद नहीं करना है, लाइट वेट्स के साथ आप पंप को चेस कर सकते हो, क्योंकि जब आप कट पे होते हो आपके वेन्स बाहर आने लगते हैं, तो लाइट वेट्स पे करने से पंप ज़्यादा अच्छा आता है। हाँ, एक दो एक्सरसाइजेस का आप वैसे कर सकते हो बट आपको कंपाउंड लिफ्ट्स में हैवी उठाना ही उठाना है। आपको ट्राई करना है अपने मैक्सिमम पुश का, जो होगा आपका स्ट्रेंथ थोड़ा डाउन जाएगा क्योंकि इट्स इनएविटेबल आप लो कार्ब्स पे हो, बट आप लोगों को ट्राई करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम हैवी उठाए अपने कंपाउंड लिफ्ट्स पे विद सही फॉर्म के साथ। नेक्स्ट चीज़ है वो है एब्स। एब्स कुछ लोग इतने पागल हो जाते हैं कटिंग के दौरान एब्स के लिए, मतलब मैं समझा नहीं सकता, मतलब सात दिन सुबह कभी ना कभी एब्स ट्रेन कर रहे हैं। एब्स वैसे नहीं आते, एब्स आर मेड इन द जिम, रिवील्ड इन द किचन। सो इससे मेरा क्या मतलब है, जो आपका एब्स है वो जो आप बल्किंग के दौरान कंपाउंड लिफ्ट करते थे, भारी उठाते थे, उसके बाद जो आप ये सब करते थे, इसी से एब्स आपका बिल्ड होगा एंड कटिंग के दौरान जैसे जैसे कैलोरी डेफिसिट में आपका फैट लॉस होगा एंड जो आपके एब्स है वो रिवील करना स्टार्ट होंगे। सो इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा एब्स ट्रेन करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एब्स जो है हफ्ते में बेसिकली दो बार ट्रेन करता था, आप लोग भी दो बार ही ट्रेन कीजिए। दो बार ट्रेन करने से मेरा क्या मतलब है, अगर आप लोगों को एब्स में स्ट्रेंथ चाहिए तो अगर आप 3-4-5 दिन भी ट्रेन कर सकते हो, अगर लाइक बॉडी वेट मूवमेंट्स आपके प्राइमरी गोल है जैसे कि
हैंड स्टैंड फ्लैग्स, कैलिस्थेनिक्स टाइप्स ऑफ मूवमेंट, अदरवाइज आपको एस्थेटिक्स के लिए एब्स आप अगर दो बार भी ट्रेन करोगे इट्स एनफ। ठीक है, एब्स ट्रेन करने से थोड़ा बहुत डेफिनेशन आ जाता है क्योंकि वहाँ पे पंप होता है, तो बेसिकली पंप रहता है, बट कोई फेनोमिनल सा चेंज नहीं आ जाएगा अगर आप 7 के 7 दिन वर्कआउट कर रहे हो। एब्स एकदम आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करो, कोई ऐसा चेंज नहीं है। बेसिकली जब तक आपका फैट नहीं घटेगा आपके एब्स रिवील नहीं होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्लीप। लाइक कैलोरी डेफिसिट को लोग इतना ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं, कैलोरी डेफिसिट ही सब कुछ है, कैलोरी डेफिसिट है बहुत इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्लीप। अगर आप 8 घंटा नहीं सो रहे होगा आप वेट तो सेम ही लूज़ करोगे। ठीक है, 8 घंटा मतलब एक प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं होगा तो आप वेट सेम ही लूज़ करोगे। दो ग्रुप्स में जो है वेट लॉस सेम होगा, बट जो है जो लोग ज़्यादा सो रहे हैं उनके REM साइकिल्स ठीक है, तो वो लोग जो है अपना जो मसल मास है उनका वो ज़्यादा प्रिजर्व करेंगे विद कंपेयर टू द ग्रुप जो मतलब सही से नहीं सो रहे थे। तो इसीलिए आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग अच्छे से सोए लाइक 8 घंटे के लिए। जो मुझसे होता था मैं मैक्सिमम 7 आवर्स ही सो सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कटिंग जो होता है वो एक मेंटली हार्ड होता है एंड बल्किंग जो होता है वो फिजिकली हार्ड होता है। सो कटिंग के दौरान आप लोगों को एंजॉय करना है प्रोसेस को, ऐसा नहीं कि बहुत जिम जा रहा हूँ सुबह कार्डियो करने जाना है। इट्स नॉट समथिंग टॉर्चर, आपको कोई टॉर्चर नहीं कर रहे थे, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। सो बेसिकली आप लोग जिम में जाओ, एंजॉय करो अपने दोस्त लोगों के साथ, बातें करो, जिम में दो लोग आ रहे हैं नए दोस्त बनाओ, जिम में जाके हैप्पी रहो। मतलब इसको आप लोगों को टॉर्चर की तरह नहीं लेना है कि कट कर रहा हूँ मतलब बहुत हार्ड चीज़ है, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। जैसे आप अगर बल्किंग में एंजॉय कर रहे थे हाई कार्ब्स पे, हाँ थोड़ा होता है मेंटली डाउन जाता है, मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत बुरा लग रहा था स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में, क्योंकि अचानक से मैंने करीब 600 ग्राम्स कार्ब्स से मैं 200 ग्राम्स कार्ब्स पे आ गया था। सो लाइक एक मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा शॉक लगा, तो वो जो होता है वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता होगा, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएगा, आपका बॉडी अडेप्ट कर लेगा। सो इसीलिए आप लोगों को प्रोसेस को जो है एंजॉय करना है, डू नॉट टेक इट एज समवन इज टॉर्चरिंग यू, लाइक यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे एंड यू कुड स्टिक टू इट। अगर आप लोगों को कुछ लॉन्ग टर्म के लिए करना है यू मस्ट एंजॉय इट। सो ये वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड आप लोगों का एक आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों को अपना कटिंग जो है कैसे स्टार्ट करना है। एंड अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं डिटेल से समझाऊं कि आप लोग अपना जो कटिंग डाइट है एंड उसको कैसे अल्टर करके, कौन से दिन कैसे अल्टर करके आप कैसे अल्टरेशन कर सकते हो, एंड एक प्रॉपर वीडियो चाहिए आप लोगों को कटिंग डाइट के ऊपर, फैट लॉस डाइट के ऊपर, तो अगर आप लोग चाहिए मुझे बताइए तो कमेंट्स में, सो मैं ज़रूर वो वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। सो ये वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया एंड जो मेरा कंटेंट है आप लोगों को पसंद आ रहा है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, दैट यू वोंट मिस एनी फर्दर अपकमिंग वीडियोस। एंड जो है आप लोग कुछ कहना होगा कमेंट्स में जाकर मुझसे कहिए, एंड इंस्टाग्राम के फर्स्ट लिंक जो होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में वो मेरे इंस्टाग्राम का होगा, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो एंड पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हो अगर आप लोगों को पूछना है, तो मैं आप लोगों के क्वेरीज ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लिफ्टिंग कीप ग्राइंडिंग, बाय।